फ्रेंड्स, तो दिवाली स्पेशल हम बनाने वाले हैं। दिवाली आ गई है, मतलब ज़्यादा दिन नहीं दिवाली के बचे हैं, तो हम बनाने वाले हैं आज नमक पारे और शक्कर पारे। तो नमक पारे हम एक दो से बनाने वाले हैं, तीन प्रकार के, और बनाने वाले हैं केरल के फेमस बनाना चिप्स। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चंदन इंडियन कुकिंग, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है। तो चलिए मिलके बनाते हैं शक्कर पारे और नमक पारे। बनाएंगे बनाना चिप्स, और यहाँ पे मैंने लिया है देखिए 5 केले। तो केले का हमको पीछे का डंठुर हटा देना है, और अच्छे से हमको छिलनी से केलों को छील लेना है, और आराम आराम से छीलना है क्योंकि हमारे हाथ में ना लगे। इसमें थोड़ी से देखिए चिपचिपापन रहता, दूध जैसे निकलता जब अपन छीलते हैं। छीलने के बाद इसको हम केला का पानी पे मतलब रखेंगे कि केले हमारे काले ना पड़े। उसके बाद हम तेल डालेंगे कढ़ाई में, और गैस को अभी तेज कर देंगे। और एक केला लेंगे और ग्राइंडर लेंगे, मतलब जैसे ग्राइंड करना है, मतलब चिप्स बनाते हैं, आलू चिप्स भी इसी से बनता है, इसी से मतलब हमको बनाना कि चिप्स बनाना है। देखिए तेल हमारा अच्छा जब हाई रहता है जब ही हमको चिप्स को इस तरीके से काटना है, डायरेक्ट हमको तेल में मतलब डालना है, तो हमारी चिप्स ना बहुत अच्छी बनेंगी, बिल्कुल कुरकुरी और स्वादिष्ट भी रहेंगी। तो मतलब आराम आराम से करिए, हाथ में ना लगे, इसलिए कि मतलब जब हमारा एक केला जब इसमें हम डाल देंगे बनाना चिप्स मतलब, उसके बाद हम थोड़ी सी लो करेंगे गैस को, इसलिए हमारे अंदर तक बिल्कुल ये चिप्स से बनाना बिल्कुल पक जाएगी। ये देखिए, तो अब हम इसको निकाल ले रहे हैं बनाना चिप्स को। तो चिप्स हमारे देखिए कितनी अच्छी बिल्कुल गोल्डन पक गई है। गैस का भी हम लो कर देंगे जब हम निकालते हैं ना चिप्स को, तो लो करना है गैस को। ये देखिए सभी चिप्स को हम बना लिया है, और हमारे पास जो बनाना है उसको भी हम इसमें कढ़ाई में देखिए तेल में फ्राई के लिए काट लिया है। डायरेक्ट हम देखिए इस तरीके से अगर काटते हैं चिप्स को तो बहुत अच्छी टेस्टी चिप्स बन के रेडी रहे, बिल्कुल मार्केट जैसे जो मार्केट में मिलती है बिल्कुल ही स्वादिष्ट रहेगी। इसमें हम हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक पाउडर, और थोड़ा सा इसमें मिर्च पाउडर, और इसमें चाट पाउडर इसमें मिक्स कर देना है, और अच्छे से हाथों की सहायता से इसको मिक्स करना है। स्वाद अनुसार इसमें थोड़ी सी नमक भी डालना है। तो इस तरीके से देखिए मिक्स करिए, अच्छा हाथों की सहायता से मिक्स करिए, और ये चिप्स बिल्कुल मार्केट जैसे लगेगी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आप लोग मुझे कमेंट में बताइए आप लोग को ये चिप्स कैसी लगी। देखिए बिल्कुल कुरकुरी चिप्स बनकर रेडी है। तो अगर हाथ से आप लोग को नहीं करना है, इसमें मिर्ची हम डालते हैं छोटे, किसी किसी के बच्चे रहते हैं तो इसमें एक चम्मच लीजिए उसके सहायता से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है देखिए मैदा। अब मैं डो लगाऊंगी नमक पारे के लिए और शक्कर पारे के लिए, अलग अलग डो लगाऊंगी। तो एक डो लगाऊंगी सिंपल, उसमें नमक नहीं डालूंगी, और एक में मैं नमक डालूंगी। तो यहाँ पर मैं छन्नी लिया है मैदा का, छान लूँगी। ये मैंने घी लिया है गर्म करके, और 2 कप देखिए मेजरमेंट मेरा कप है, तो मैं 2 कप देखिए मैदा लिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे 2 स्पून घी डालूंगी। मैं घी डाल रही हूँ मोमन के लिए, अपन ऑयल भी आप लोग ले सकते हैं, और ऑयल से भी बहुत अच्छी मतलब मटरी बनती है, मगर मैं यहाँ पे घी डाल रही हूँ। घी मतलब क्या है, इतना जब घी डालते हैं तो और ज़्यादा टेस्टी मतलब ये शक्कर पारे बनाओ चाहे नमक पारे तो बहुत अच्छी मतलब टेस्टी रहती है। और इस तरीके से हमको अच्छे से हाथ से मसलना है। जब हमारा ये मटरी बनती है तो बिल्कुल मतलब कुरकुरी बनती है, सॉफ्ट नहीं रहती। बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि हमारी मटरी सॉफ्ट बनती है, कुरकुरी क्यों नहीं रहती है। तो अगर मेरे तरीके से बनाएंगे, मेरा वीडियो पूरा फॉलो करेंगे, तो आप लोग की मटरी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। जो पानी है ना हमने थोड़ा से गुनगुना करके लिया है, ज़्यादा हमको ठंडा नहीं लेना ना ज़्यादा हमको गर्म लेना, नॉर्मल लेना है। हल्का मैंने गुनगुना किया है, और देखिए हमको 7 डो लगा के रखना है, और ढक करके हमको आधा मिनट के लिए छोड़ देना है। अब हम यहाँ पर लगाएँगे 2रा डो। यदि इसको भी हम छानेंगे, क्या होता है हम मार्केट से देखिए मैदा लेते हैं तो छानना ही चाहिए। ऐसे में डब्बों में भरती हूँ तो छान के भरती हूँ, मगर अभी क्या मुझे थोड़ी से जल्दी था, गांव गई थी
तो ऐसे रख के गई थी, इसलिए यहाँ पे मैंने छाना नहीं था। तो अभी मैंने छान लिया। 2 कप में मैदा लिया है, इसमें थोड़ी सी क्रश करके देखिए अजवाइन डाला है, और स्वाद अनुसार इसमें नमक डालूँगी। यहाँ पे देखिए मैंने घी गरम करके ही रखी हूँ, तो मैंने इसमें भी मतलब घी ही डालने वाली हूँ, नमक पारे में भी। ये देखिए 2 स्पून मैंने इसमें भी डाला है घी। अब अच्छे से हमको घी को मिक्स कर लेना है। जब हमारा डो अच्छे से मतलब मोमन रहता है और डो अच्छे से लगता है, जब ही हमारे अच्छे से नमक पारे बनेंगे खस्ता बिल्कुल कुरकुरे, और खाने में बहुत टेस्टी रहेंगे। जब अपन क्या है ना, अच्छे से ये मोमन नहीं लगाते हैं ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब पानी में थोड़ा थोड़ा लगा करके एक साथ पानी डालते हैं तो दाने दाने आ जाते हैं ना, तो इस तरीके से डो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मतलब डो अच्छा होना चाहिए, जब भी आप लोग के अच्छे से मतलब नमक पारे बन के रेडी होंगे। तो थोड़ा थोड़ा ही हमको पानी डालना है, एकदम से पानी नहीं डालना है, नहीं तो हमारा जो क्या है ना डो है तो गीला भी हो सकता है। हमको बिल्कुल गीला नहीं करना है और टाइट भी नहीं रखना है। तो इस तरीके से देखिए बिल्कुल हम थोड़ा थोड़ा पानी ले रहे हैं, इसको अच्छे से मसल रहे हैं। और क्या है ना, उस तरीके से हमको नहीं मसलना, मुट्ठी से ऐसे हमको हल्के हाथ से ही आटा का मतलब लगा करके रेडी करना है। तो हमारा आटा देखिए हमने लगा कर रेडी किया है। अब इसको भी हम आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे, और जो हमने देखिए सिंपल वाला आटा लगा के रखा है तो आधा घंटा हो गया है। तो यहाँ पे हम बना लेंगे थोड़ा थोड़ा मतलब छोटे छोटे लोई कट करके रख लेंगे। अब हम इसकी बनाएंगे पूरी, बड़ी से एक मोटी से पूरी बना करके रखेंगे। और हम देखिए 3 प्रकार के बताए थे ना, नमक पारे शक्कर पारे बनाने वाले हैं, तो थोड़ा से इसमें हम आटा मतलब लगाएंगे इस तरीके से। हमको गोल गोल मतलब रोटी जैसे बिल्कुल पतली बना लेनी है। तो जो हम ये नमक पारे बनाने वाले हैं ना, तो बहुत टेस्टी बनेंगे। इसको किसी मतलब चाय के साथ भी खा सकते हैं। और अभी दिवाली तो आ ही रही है, देखिए दिवाली स्पेशल में ये सब बना रही हूँ। अब प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब वीडियो को शेयर कीजिएगा, आप लोग मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। इस तरीके की रेसिपी मैं लाती रहूँगी। तो इस तरीके से देखिए हमको कट कर लेना है, बिल्कुल देखिए हाथे में नहीं चिप रहे हैं। मेरा तेल इधर पे गरम हो गया है तो मैं यहाँ पे डाल दिया है पकने के लिए मटरी। पहले मैं बना रही हूँ देखिए नमक वाली। जब हम मटरी पकाएंगे तो हमको लो गैस में पहले पकाना है, उसके बाद थोड़ा से हमको तेज करना है। कम से कम मटरी पकने में हमको 10 मिनट तो लग ही जाती है जब हम मटरी पकाते हैं। अगर हम तेज़ कर देंगे तो मटरी हमारी बिल्कुल अच्छे से अंदर तक नहीं पकेगी और बाहर से जल जाएगी, खाने बिल्कुल टेस्टी नहीं रहेगी। ये देखिए इस तरीके से अगर पकाएंगे ना आप लोग की मटरी बहुत अच्छी बनेगी। अब इस तरीके हम क्या किया है, छोटे छोटे यहाँ पे लोई कट कर लिया है, लेयर जैसे लगा लेंगे तो मतलब बिल्कुल लेयर लेयर जैसे। अब बनाएंगे हम काजू शेप में। तो हम यहाँ पे पूरी देखिए बना लिया, थोड़ा से हमको पूरी की इस तरीके से मोटी बनाना है, ज़्यादा ना मोटी होना चाहिए ना पतली। और ये काजू शेप में इस तरीके से देखिए हमको कट कर लेना है। एक ढक्कन लीजिए, तो हमने एक ढक्कन लिया हुआ है, ढक्कन के सहायता से देखिए काजू शेप में ये हम नमक पारे बना लिया है। हमको बिल्कुल चिकना आटा नहीं करना, थोड़ा से मतलब हमको उस तरह के पोले हाथ से ही करना है। तो हमारे जो मतलब कोई शक्कर पारे हो चाहे मतलब नमक पारे तो बहुत अच्छे बनते, अंदर तक फूलते हैं और अंदर तक पकते भी हैं, और खाने में उतने ही स्वादिष्ट रहते हैं। अब कोई से भी लीजिए, मैं यहाँ पे लिया है कटर, चाकू से भी मतलब अच्छे से कट जाती है मटरी। कोई से भी शेप दे दीजिए अपने हिसाब से। ये जो साइड का है तो हम इसको देखिए निकाल देंगे। इस तरीके से बनाते हैं ना तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और ये मटरी बनाने में बहुत सारे लोगों को शिकायत रहता है, अरे मटरी बनाने में टाइम लगता है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए हम फटाफट कट लिया है इसको मटरी को। यहाँ पे हमारा तेल गर्म ही है, तो देखिए हमने
मटर को भी डाल दिया है। गैस को भी लो ही किया है हमने। लो करके पहले हम पकाएंगे 4 मिनट तक। देखिए हम लो करके पकाएंगे, उसके बाद हमने इसको तेज कर देंगे 1 मिनट के लिए, तो मटरी हमारी बिल्कुल पक जाएगी अंदर तक और देखने में बहुत सुंदर लगेगी। ये देखिए तो मटरी हमने 3 प्रकार के बना ली। हमने क्या किया है, काजू शेप और जो हमने सिंपल शेप दिया है एक साथ ही पकाया है। उसके बाद हमने इसको मतलब अलग करेंगे। ये देखिए दोनों मटरी हमारी, तीनों मटरी बन करके रेडी हो गई है। अब बिल्कुल कुरकुरी, ये देखिए कितनी अच्छी मटरी बनी है। इसको भी हम तोड़ करके दिखा रहे हैं काजू को। ये देखिए ये काजू शेप में तो बिल्कुल लगता है काजू। इसमें मसाला मिक्स करिए, मैं सिंपल वाला जो प्लेट में, छोटी वाली प्लेट में रखी हुई हूँ, तो इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी मसाला। तो ये हमारी बनके तैयार होगी मसाला मटरी। देखिए आवाज़ इससे आ ही रही होगी आप लोगों को। और आज हमारे यहाँ पे क्या है ना, बंगलौर पे कॉलोनी में हमारे कंपाउंड में माइक चल रहा था तो आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो मैंने आवाज़ हटा दी हूँ। यानी मुझे बनाना था तो ज़्यादा ही आवाज़ आ रही थी। यहाँ पे मैंने मिक्स कर दिया, देखिए मिर्च पाउडर, चाट पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाला है। ये मटरी बन करके परफेक्ट बिल्कुल रेडी है। आप लोग का अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। यहाँ पे हम बनाएंगे चाशनी पहले शक्करपारे के लिए, मतलब शक्करपारे मटरी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे 2 कप मैंने देखिए शक्कर लिया है और 1 कप पानी लिया है। बिल्कुल मेजरमेंट परफेक्ट है। और आप लोग मेरे तरीके से बनाएंगे तो आप लोग की मटरी मतलब शक्कर पारे बहुत अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे मेरे देखिए जो शक्कर है ना, तो अच्छे से मतलब बॉयल होने लगी है, तो उसमें मैं डाल दिया है इलायची पाउडर और थोड़ा से केसर। अगर आप लोग के पास केसर है तो डालिए, नहीं तो कोई बात ना, केसर डालेंगे तो उसका कलर बहुत अच्छा आता है चाशनी में। अब देखने में बहुत सुंदर देखिए लगी रहा है। और इसमें मतलब हमको चाशनी जब थोड़ी सी चिपचिपाने लगती है उसको बंद कर देना है। अब यहाँ पे हम बना लेंगे हमारा जो आटा है, देखिए मतलब सेट हो गया है। तो थोड़ी से इसको हल्के हाथों से इस तरीके से हमको थोड़ी थोड़ी लोई कट कर लेना है। एक साथ मतलब लोई कट करके इसकी हमको पूरी बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसके एक के ऊपर एक रखेंगे लोई, उसके बाद हम फिर मतलब इसको लंबा करेंगे, लोई काटेंगे। तो ये जो हमारे शक्कर पारे ना बहुत अच्छे बनेंगे, अंदर तक चाशनी जाएगी और खाने में उतने ही टेस्टी लगेगी। तो मैंने देखिए पहले ना एक के ऊपर रखा है, उसके बाद मैंने लोई बनाया है, छोटे छोटे लोई कट किया है। उसके बाद मैं देखिए यहाँ पे पूरी बना लिया है। अब मैंने लिया कटर, अपने मनपसंद शेप की मटरी बनाइए मतलब शक्कर पारे कट कर लीजिए। तो मैं देखिए साइड का हटा दिया है और ये मटरी काटने में टाइम भी नहीं लगता है। मैं तो सिंपल ही शेप दिया हुआ है इस तरीके से, देखिए कट कर लिया है सभी मटरी को। इसी तरीके से हमको मतलब बना लेना है। अब तेल हमारा गर्म हो रहा है तो मटरी हमारी देखिए इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने एक पूरी बना करके मटरी कट कर लिया है। मैंने दूसरा दिखा रही हूँ आप लोग को कि मैंने देखिए छोटी छोटी इस तरीके से लोई बनाई है। एक क्या के ऊपर रख दूँगी तो जो हमारी मटरी है बिल्कुल मतलब लेयर जैसे बनेगी, मटरी नहीं सॉरी शक्कर पारे, तो मटरी भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरीके से बनाएंगे तो पूरे अंदर तक लेयर लेयर रहेगी और जब हम खाएंगे तोड़ेंगे ना तो बहुत अच्छी लगेगी देखने में और खाने बिल्कुल मतलब सॉफ्ट रहेगी। तो इस तरीके से हमको बेल लेना है। हमको थोड़ा से मोटा ही रखना है क्योंकि हमने शक्कर पारे बनाने वाले हैं। तो इसको हमने देख थोड़ा से लंबा ही काटा है इस तरीके से। हम चाकू से भी देखिए दिखा रहे हैं, चाकू से भी फटाफट कट भी जाती है और कटर से भी कट कर देखिए क्या होता है। कभी कभी कटर नहीं रहता है तो हमको चाकू से ही कट करना है। ये देखिए तो सभी मटरी इस तरीके से हमको कट करके रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा हो गया है देखिए तेल गरम। तो अब अपने जो हमने शक्कर पारे हैं तो इसको डाल देंगे तेल पे पकने के लिए। और क्या है ना, गैस को हमको लो ही रखना है। अगर हम तेज़ कर देंगे
तो ये जो हमारे शक्करपारे हैं तो ये मोटे थोड़ी रहते हैं, तो बिल्कुल अंदर तक नहीं पकेंगे। तो हमको लो गैस पे ही पकाना है इनको, हमको पकाना है 5 मिनट तक लो गैस पे। उसके बाद हमको 2 मिनट 1 मिनट तक मतलब पकाना है तेज़ गैस पे। तो बढ़िया गोल्डन इसका कलर भी आएगा और अंदर तक ही हमारी जो शक्करपारे हैं अच्छे से पकेंगे। तो देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है, अब इनको हम निकालेंगे। पहले हमको थोड़ा सा उसके मतलब छन्नी में निकालते हैं ना, उसके बाद थोड़ा सा कढ़ाई में रखना है, तो तेल हमारा उसी में कढ़ाई में छट जाता है। और यहाँ पे हमारे देखिए चाशनी हमने बनाया था, मगर चाशनी को जब हम ये शक्कर पारे डालेंगे थोड़ी गर्म करना है चाशनी को। तो हमने चाशनी को गर्म कर लिया है और कढ़ाई को थोड़ी सी लो अभी रखा हुआ है चाशनी को। तो इसमें अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और एक थाली में निकाल लेंगे। जो हमारा ये शक्कर पारे है बिल्कुल एक एक बनेगा। कभी कभी ऐसा रहता है ना, बहुत सारे लोग को शिकायत रहती है कि हमारा चिपक जाता है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कितना अच्छा ये हमारा शक्कर पारे बनकर रेडी हुआ है, और हम ढेर सारे शक्कर पारे बना के रेडी किया। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।